नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में। आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको उत्तर प्रदेश के एक आजमगढ़ के एक ऐसे खिलाड़ी से जो बचपन से ही वॉलीबॉल के लिए अग्रसर रहे, उसमें इंटरेस्ट बढ़ा और आज बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी इनके अंदर एक इंजरी हुई, इनके चोट लगी घुटने में, तो उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर ईश्वर बोहरा के पास आए थे, तो मैं भी यहीं मौजूद हूँ। मेरे सामने है माज और इनसे बात करता हूँ। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ माज कि अपना इंटरेस्ट कैसे रहा वॉलीबॉल में, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे गेम हैं, क्रिकेट को लोग हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको वॉलीबॉल के तरफ आकर्षण कैसे बढ़ा? जी, आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल को ही पसंद करते हैं लोग। और फिर मैं पढ़ाई के टाइम से वहाँ पे जो मेरा स्कूल था उसमें मैं गया, तो यही गेम हो रहा था, तो मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें, मैं भी खेलने लगा धीरे धीरे। आपको स्कूल लेवल पे खेले फिर, और कैसे कैसे बढ़ी आपकी जो पदोन्नति हुई या आपको लोगों ने बुलाना शुरू करा, वो कैसे चला, प्रक्रिया क्या रही उसकी? मैं गया था नेशनल खेलने के लिए, तो वहाँ से हमारे कोच साहब देखे थे, तो फिर उसके बाद हमने ट्रायल दिया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ साई में, तो फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं वहीं से खेल रहा था। और डॉक्टर बोहरा भी मेरे साथ बने हुए, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि डॉक्टर साहब को भी दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ही इनकी इंजरी का इलाज किया है। तो डॉक्टर साहब, कैसे ही आपसे कनेक्ट हुए और कैसे आपने इनकी इंजरी को डिटेक्ट किया, क्या रहा है इसके बारे में कृपया करके विस्तार से बताइए। जहाँ तक मुझे को इनके बारे में जानकारी है, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है और बहुत ही हाई परफॉर्मिंग प्लेयर है, तो इनके लिए मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए इनके वेल विशर्स के कि सर हमारा एक प्लेयर इंजर हो गया है, तो मैंने कहा डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे उनको ठीक करने की। फिर हमने एग्जामिन किया इनको, तो इनका ACL कंप्लीट टीयर था, तो उसका हमने सर्जरी किया है और 2 वीक्स के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, बहुत अच्छी रिकवरी चल रही है एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और इसका जो रिकवरी का टाइम है 4 to 6 months, उसके बाद डेफिनेटली वापस इनको ग्राउंड पे उसी पावर के साथ, उसी परफॉर्मेंस साथ भेजेंगे इनको। सर, आप बहुत अच्छे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा आपके पास आते हैं सर्जरी कराने के लिए और कहीं ना कहीं संतुष्टि भी मिलती ही है उन्हें। क्या देखने को मिला इस सर्जरी के अंदर, कितनी डैमेज हो चुकी थी इनकी, ये जो अभी जो इनकी पोजीशन है जो आप अभी ठीक कर चुके हैं, तो किस अवस्था में आए थे आपके पास? फॉर्चुनेटली इनका ना मुझे वीडियो मिल गया कहीं से देखने का, तो जब इंजरी का वीडियो मिल जाए तो सर्जन के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि उसको ये पता लग जाए कि किस लेवल की या किस इम्पैक्ट से इंजरी हुई है। तो इसका इनका वीडियो माज भाई का बहुत ही डरावना था, मैं भी एकदम शॉक में था कि कैसे इनका पूरा पाँव ट्विस्ट हो गया है, तो उसकी वजह से इंटरनल लिगामेंट थे इनके वो कम्प्लीट टेयर हो गया इनका, और कुशन के सपोर्ट थे उनमें भी डैमेज था, तो दोनों को हमने जिसको ACL बोलते हैं अंदर लिगामेंट को, ACL का रिकन्स्ट्रक्शन किया हमने पूरा, और जो मेनिस्कस थे उनको भी हमने रिपेयर किया, तो ही विल बी ऑल राइट। अभी सर क्या लगता है ये सर्जरी कराने के बाद किस तरह से दोबारा अपना खेल में वापस आ पाएंगे? बस इनको सर्जरी तो हो गई है, इनको हमने एक फिजियोथेरेपी का पूरा प्रोटोकॉल देंगे, रिहा प्रोटोकॉल बोलते हैं उनको, और 6-6 हफ्ते के हिसाब से मूवमेंट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, एंड्योरेंस एक्सरसाइज है, फिर आगे परफॉर्मिंग एक्सरसाइज है, अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज है, वो उनको बताते जाएंगे हम, और ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल ही है, वैसे तो अच्छी प्रोग्रेस है अभी, तो और भी अच्छी हो जाएंगी, और इनका मनोबल बड़ा ऊंचा है, मॉरल हाई है, स्पिरिट अच्छी है खेलने की, तो जिनका विल पावर अच्छा होता है वो रिकवर भी फास्ट करते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, मैं पूरा श्योर हूँ कि वापस मार्च को उसी स्पीड से हम ग्राउंड पर भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये खिलाड़ी बने रहने चाहिए, इंडिया के अंदर बहुत प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा हैं और ये प्रतिभाओं को हमें उभारने की ज़रूरत है। ये तो रही डॉक्टर साहब से बात, थोड़ा मार्च से बात करता हूँ। आप एक खिलाड़ी हैं, तो आपको क्या लगा कि कहाँ जाना चाहिए, इतनी दूर का सफ़र तय करना, डॉक्टर ईश्वर बोहरा के पास आना, कैसे कनेक्टिविटी हुई आपकी डॉक्टर बोहरा से? सर के जो खिलाड़ी हैं, सर के यहाँ 2-3 खिलाड़ी मेरे हैं जानने वाले, तो वो उन्होंने पहले से करवा रखा था सर्जरी, तो सब बेटर था, तो इस वजह से मुझे भी सजेस्ट किया गया कि सर से ही दिखवा लें। तो जब मुझे अंशुल भाई का नंबर मिला तो उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो सर के बारे में बताया, सर ने मेरा भी किया, तो बहुत बेटर था। सर के पास आए तो क्या डर और भय लगा होगा कि अरे भाई तो घुटने की सर्जरी होने वाली है, कितना डर था? डरा तो मैं बहुत था पहले, मगर जब सर आए मेरी हाल चाल पूछे तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया, फिर मुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ पे। सर ने आपकी सर्जरी की, उसके बाद पेन वेन क्या, मतलब क्या रही, थोड़ी प्रक्रिया बताओ ना। पेन तो एकदम नहीं थी,
भैया ऑपरेशन होने के बाद सब एकदम खत्म हो गया। मैं सर्जरी हुई आपके और पेन नहीं हुआ? मैं एकदम नॉर्मल हो गया था उसी दिन से। कहीं यही तो कारण नहीं है सर, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आपके पीछे पड़े हुए हैं, डॉक्टर ईश्वर बोरा, तो मैं भी आज आपके पास इसीलिए आ गया, एक बार देखता तो कि माज हमारा बहुत ब्रिलियंट स्टार है एंड अभी इसका फ्यूचर है, और मैं हमारी भी मॉरल ड्यूटी बीइंग ए सर्जन कि जो बेस्ट से बेस्ट हम डिलीवर कर सके प्लेयर्स को, क्योंकि इनका करियर रहता है और प्लस हमारे कंट्री के लिए भी कौन किस टाइम कितना बड़ा स्टार बन जाए नहीं पता लगता, तो इनमें से इतनी बड़ी प्रतिभा आती है तो उनको यदि हम उनकी केयर नहीं करोगे, उनकी परवरिश नहीं करोगे तो ये हमारी एक देशभक्ति भी नहीं है। तो एक पेट्रियटिज्म का भी पार्ट है ये कि किसी को ठीक करके हमारे देश का जो नाम रोशन करे थी, उसको कई इंजरी हुई है, ये हमारे हीरोज़ है जो सोल्जर की तरह ये जो कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी भी मॉरल ड्यूटी है कि इनको हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें और क्विक से क्विक वापस इनके स्पोर्ट्स में आपस हम। मेरे दर्शकों के साथ ना आपको बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी सलाह बताइए, क्या उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन है आपका? आई नो बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो गए हैं बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए सर। जैसे जैसे स्पोर्ट्स पॉपुलर होता जा रहा है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए आपको ऑल ऑफ सडन लग रहा है कि इंजरी का परसेंटेज बढ़ गया, पर इंजरी का परसेंटेज नहीं बढ़ा जितेंद्र जी, ये एक्चुअली स्पोर्ट्स मैन का नंबर बहुत बढ़ गया। जब नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको इंजरी भी ज़्यादा नज़र आएगी डेफिनेटली। जैसे आप सड़कों पर गाड़ियाँ ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट तो उतने ही होते थे, पर वो ये दो चार भी होते तो इतनी गाड़ी में ज़्यादा दिखते नंबर, वो सेम ऐसा ही नहीं तक सर। मैं ऐसा लगता है कि अवेयर हुए ना खिलाड़ी, अवेयर हुए लोग, अवेयर हुए कि भाई फटाफट हमारे पैर में यदि लगी है तो कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। इस बात पर भी आ रहा हूँ कि पहले फैसिलिटी नहीं थी, एक्सेस नहीं था हमारे स्पोर्ट्स मैन का कि फटाफट किसी एकदम क्लास वर्ल्ड क्लास स्पेशलिस्ट के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, थोड़ा डर था, सर्जरी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, पर धीरे 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 सोसाइटी में सर्जरी की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इनका डर भी निकला है। और दूसरा सारे स्पोर्ट्समैन को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितना आप पावर लगाओ, जितनी परफॉर्मेंस के लिए अपनी मसल्स को बॉडी को आप पुश करोगे, उतना ही चांस है इंजरी होने का। तो राइट टेक्निक करते हुए राइट न्यूट्रिशन के लिए और राइट वार्म अप के साथ अपना गेम स्टार्ट करें। तो माज डॉक्टर साहब ने तो अपना काम कर दिया है, बहुत बढ़िया सर्जरी आपकी कर दी, और आपके चेहरे की मुस्कान भी मुझे बता रही है कि आप बहुत जल्दी फील्ड के अंदर जाने वाले हो। बहुत हज़ारों दर्शक हमारे दैनिक भास्कर के आपको देख रहे हैं और आपके चाहने वाले भी बहुत विशेष कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी मैदान में आएँ और देश का नाम रोशन करें। अभी आपकी जो सर्जरी हुई है उसको लेकर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आए हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस लेवल पर आप खेलने वाले हो और कहाँ तक खेल चुके हो, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने अभी जूनियर इंडिया खेला है, तो उसके बाद अब मैं सीनियर इंडिया खेलूंगा, अगर इसके बाद मैच सही हो गया तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप हमारी सबकी दुआएं हैं कि आप ठीक रहेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो अभी आपका जो उपलब्धि है वो क्या थी, आपने किस किस स्टेट के लिए आपने गेम अपना खेला? मैं पंजाब से खेला हूँ, हरियाणा पुलिस से खेला हूँ, छत्तीसगढ़ पुलिस से खेला हूँ, NER रेलवे से खेला हूँ, DLW वाराणसी से खेला हूँ। वहाँ तक आपने शायद विजय हासिल की है, तो इसीलिए आपको आज लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपको लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो मैंने सोचा एक बार माज का क्यों ना मैं भी एक इंटरव्यू ले लूँ और बात कर लूँ और दर्शकों को दिखाऊँ कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएँ हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट के अंदर नाम करें, बहुत सारे ऐसे गेम हैं, बहुत सारे ऐसे खेल हैं हमारे देश के अंदर जो आप विलुप्त हो चुके हैं, तो इसी तरह के बच्चे, इसी तरह के खिलाड़ी इन गेमों को ऊपर ला रहे हैं, और यदि कोई इंजरी होती है, कोई समस्या आती है, तो BL कपूर हॉस्पिटल के डॉक्टर ईश्वर बोहरा एसोसिएट डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ, तो हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा इस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं कि अगर आपको ऊपर वाला न करे, कोई इंजरी हो, तो डॉक्टर साहब हमेशा साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेष देना चाहेंगे? जीतन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्रिकेट इतना पॉपुलर है, पर आपने जिस तरह से, आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पता लगा कि वॉलीबॉल प्लेयर को आपने लाइमलाइट में लाने की कोशिश करी है ताकि वॉलीबॉल प्लेयर का भी हौसला बढ़े और वो भी अपना
प्रतिभा को और रोशन कर देते। सर देखिए, दैनिक भास्कर का काम है कि देश में छुपी हुई प्रतिभाओं का निकालना। अब आप स्पोर्ट्समैन के लिए इतनी सारी सर्जरी कर चुके हैं, लेकिन ना मैं तो एक बार आपसे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, तो इसी तरह मैं मास से भी मिलना चाहता था। इन लोगों को या आप लोगों को दर्शक जाने, जनता जाने, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ही होने वाला है लोगों को। अगर इस तरह की ऊपर वाला ना करे, कोई इंजरी होती है, कुछ भी होती है, तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं बी एल कपूर हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में स्थित है, और माज ने बहुत अच्छा एक सर्जरी कराई है, और मैं चाहता हूं कि इसकी बहुत अच्छी तरह से रिकवरी हो। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर ईश्वर बोहरा और वॉलीबॉल खिलाड़ी माज। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं लगातार आपको किसी न किसी खिलाड़ी और राजनेता के साथ मिलवाता रहूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए कैमरामैन शिव कुमार के साथ।